जयपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली को धूमधाम से मनाएंगे राज्य सरकार और 1 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में परंपरागत तरीके से ये आयोजित होगा। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि सांसद और विधायक होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें मौजूद होंगे। बिलासपुर और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर के मुख्य अतिथि होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी की गई मुख्य अतिथियों की सूची भी तैयार हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में मुख्य अतिथि होंगे। कुल मिलाकर पर्व हरेली को लेकर धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस पर्व का अपना अलग ही महत्व माना जाता है। और लगातार हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। और हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे, हरेली पर्व बड़े धूमधाम के साथ इस बार मनाया जाने वाला है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और छत्तीसगढ़ में इस पर्व का क्या महत्व होता है? हाँ, देखिए, अगर हरेली की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में से एक हरेली त्योहार को माना जाता है। 1 अगस्त को हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए न सिर्फ गांव स्तर पर बल्कि इस बार शहर जैसे जगहों पर, चाहे रायपुर की मैं बात करूं, चाहे बिलासपुर की मैं बात करूं, यहां पर भी हरेली का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। सरकार ने पहले ही कह दिया था, स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिया था कि इसके लिए तमाम तैयारी करें, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस की सरकार आई है, तब से ये छत्तीसगढ़ी, चाहे संस्कृति हो, चाहे छत्तीसगढ़ी जो इतिहास हो, वो स्पष्ट रूप से झलकता नजर आ रहा है। क्योंकि बीच में हमने देखा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म मल्टीप्लेक्स में पहले नहीं लगती थी, लेकिन मल्टीप्लेक्स में मुख्यमंत्री और तमाम जो संस्कृति मंत्री हैं उनके दबाव के चलते मल्टीप्लेक्स वालों ने भी छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाई थी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने पहुंचे थे। तो एक झलकाने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री किस प्रकार से काम करता है। तो उसी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो पारंपरिक त्योहार है छत्तीसगढ़ का हरेली, उसको धूमधाम से मनाए। अगर हरेली की मैं बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। ग्रामीण स्तर पर सबसे ज्यादा इसकी जो खासियत है वो रहती है, धूमधाम से ग्रामीण स्तर पर मनाया जाता है। वहां पर बैलों की, इसके अलावा जो औजार रखे होते हैं घर में, उसको, उसकी पूजा की जाती है। और अधिकतर देखा जाए तो जो धान का पहला फसल होता है, तो उसी समय ये हरेली का त्योहार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि बारिश जिस तरीके से 18 जिलों में काफी कम हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क इस बात पड़ेगा, लेकिन सरकार ने सब चीजों को ध्यान में रखा है और इस तरीके से जैसा निर्देश जारी किया है त्योहार को लेकर। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रायपुर की मैं बात करूं तो जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो गौठान नरवा गरवा घुरुवा बारी योजना के अंतर्गत बनाया गया है, वहां पर भी हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। कुछ गौठानों में हमें सूचना मिल रही है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचेंगे और गौठानों में हरेली का त्योहार वहां के जो ग्रामीण है उनके साथ मनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।